किसी के काम रुकवाने से अहमद की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत आए और बहुत चले गए। तो महानगर पालिका ने उसको ताला लगा दिया, उसको बंद कर दिया। ठीक है, आमदार साहब बनावे कि अहमद भाई बनावे या महानगर पालिका बनावे, बात एक ही है। लोगों की आरोप लगता है कि आप गुंडाई करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इस पर क्या? जो और नगर सेवक हैं जो काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, मैं ठेकेदारी वगैरह करता नहीं हूँ। राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए किसी का फंड को रोक के, किसी का कुछ काम रोक के। इस तरह की बात करते हो कि मुझे ऊपर से दबाव आया तो आप हट जाइए कमिश्नर पद से। ₹23 लाख की निधि से किया जा रहा था शौचालय का काम, मनपा आयुक्त ने निधि रोक कर किया नाकाम। विशेष तौर पर आपको बता दें कि तस्वीर भिवंडी के औचित पारा क्षेत्र की है, जहां पर एक शौचालय को लेकर राजनीतिक खिचड़िया बनाई जा रही है। पहले तो महानगर पालिका 23 लाख रुपए की निधि मंजूर करती है, उसके बाद इसी निधि को नामंजूर का हरी झंडी दिखा दिया जाता है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 23 लाख रुपए की निधि यहां के स्थानीय पूर्व नगर सेवक अहमद सिद्दीकी द्वारा महानगर पालिका के प्रस्तावना से पास करवाया गया था, लेकिन हाल ही में विधायक रईस शेख ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। उस दौरे के दरमियान विधायक रईस शेख ने भी इसी शौचालय का 23 लाख रुपए की निधि का घोषणा कर दी, जिसके कारण महानगर पालिका के आयुक्त ने इस 23 लाख रुपए की निधि को रोक दिया। इस बीच आपको बता दें कि 23 लाख रुपए की निधि से जो शौचालय बनाया जा रहा था, उस शौचालय का काम पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की खासकर महिलाओं को शौच के लिए काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो वहीं पर महानगर पालिका ने दोबारा 25 लाख रुपए की निधि औचित पाड़ा के आसपास के क्षेत्र के नाली गटर के लिए मंजूर किया, लेकिन आपको बता दें कि कुछ सप्ताह बीतने के बाद इस निधि को भी रोक दिया गया। आखिरकार क्या कारण था कि विकास के कार्य के लिए लाखों रुपए की निधि देकर कार्य कराने का अंजाम दिया तो जा रहा था, लेकिन उस कार्य को रोका गया? इन सारी विषय को लेकर आज हमारे चैनल से पूर्व महापौर व पूर्व नगर सेवक अहमद सिद्दीकी ने अपने वक्तव्य में इस बात की पूरी जानकारी दी और क्या कहा, ये सुनते हैं। शौचालय जो है तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया, उसके बाद महानगर पालिका ने उस काम को क्यों रोका, क्या कहा? नहीं देखिए, ऐसा है संदीप जी, संडास जो है वो शौचालय जो है धोखादायक हो गई थी, तो महानगर पालिका ने उस पर ताला लगा दिया, उसको बंद कर दिया। अब काफ़ी तकलीफ होने लगी, औरतें बाहर जाने लगी, तो मैंने ये शौचालय बाजू में है, वो शौचालय में मैंने आधी लेडीज़ आधे जेंट्स करके मैंने यहाँ चालू किया। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब से मिला, बोला साहब हमारे यहाँ शौचालय जो है वो एकदम टोटल लॉस हो चुका है और उसको गिरा के नहीं बनाना है। तो कमिश्नर साहब ने बोला ठीक है अहमद भाई, मैं आपको फ़ंड कर देता हूँ, उसको करा लो आप। 23 लाख का उन्होंने फ़ंड मुझे मंजूर किया। फाइल जैसे घूमती वैसे घूम घाम के आई, दूसरा राउंड जब घूम के वहाँ गई तो कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा कि अहमद भाई ऐसा है कि ये फ़ंड जो है हमारे MLA साहब रईस भाई जो है वो बनाएंगे, आप फंड कोई दूसरे काम में इस्तेमाल कर लो। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने मान गया, मैं ठीक है आमदार साहब बनावे कि अहमद भाई बनावे या महानगर पालिका बनावे, बात एक ही है, लोगों की समस्या दूर होनी चाहिए। बहरहाल मैं मान गया, मैं संडास शौचालय का काम जो है मैं अपने खुद निजी पैसे से उसको गिरवाने का काम मैं कर रहा था, लेकिन जो कमिश्नर साहब ने बोला तो मैंने ठीक है रईस भाई बनाएंगे, लोगों की तकलीफ दूर होना चाहिए, चाहे रईस भाई बनाए चाहे कोई भी बनाए। बहरहाल उसके बाद मुझे फिर उन्होंने 25 लाख का फंड दिया नाली गटर का, कमिश्नर साहब ने, और उन्होंने कहा कि अहमद भाई ये फाइल आप जो है घुमा के सब फटाफट लाइए, एक हफ्ते में आपको भी करके दे देता हूँ, आप नाली गटर बनाइए, शौचालय आमदार साहब को बनाने दीजिए। मैं मान गया और उसके बाद मैं फिर वो एक हफ्ता फाइल लेके जैसे घूमते, मैं तो कभी ये सब किया नहीं हूँ, पहली बार ये सब देखने को आया, क्योंकि जो और नगर सेवक हैं जो काम करते हैं ठेकेदारी करते हैं, मैं ठेकेदारी वगैरह करता नहीं हूँ। बहरहाल मैं वो फाइल वाइल सब जगह तो साइन लेते हुए जब कमिश्नर साहब के बाद आखिरी में आया, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मुझे ऊपर से काफ़ी दबाव है कि ये फंड जो है इनको न दिया जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब किसका दबाव है, तो उन्होंने कहा मुझको ऊपर से दबाव है। अब अल्लाह जाने ऊपर से किसका दबाव है मैं नहीं जानता, लेकिन
राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए किसी का फंड को रोक के, किसी का कुछ काम रोक के, हमारे फंड से काम होना चाहिए। तो आइए भाई साहब, बिल्कुल आपके फंड से आप करवाइए, जब इलेक्शन आएगा इलेक्शन लड़ो, अगर आपको अल्लाह जिताएगा आप जीतो, मुझे अल्लाह जिताएगा मैं जीतूँ, किसी का काम मत रोको, इतनी घटिया राजनीति मत करो, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हो, ऊपर वाला हो कि नीचे वाला हो। अभी ये जो फंड आया था ये नगर पालिका का फंड था? हाँ, नगर पालिका का फंड था, नगर पालिका का फंड मिला था, इस फंड को रोक दिया गया? हाँ भाई, दोनों फंड को रोक दिया गया, शौचालय का भी और नाली गटर का भी। कितना दिन हो गया ये? एक से डेढ़ महीना हो गया, और ये शौचालय को लगभग 6 महीना हो गया। मैं दोनों काम की शुरुआत हुई है, अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है काम, या नाली गटर के लिए कुछ भी नहीं? अब वो तो कमिश्नर साहब बताएंगे, उनको ऊपर से किसका दबाव आ रहा है, अब अल्लाह बेहतर जाने किसका दबाव आ रहा है, वो तो कमिश्नर साहब से आप लोग जाके पूछो ना भाई, आपको ऊपर से, आप एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठकर इस तरह की बात करते हो कि मुझे ऊपर से दबाव आया, तो आप हट जाइए कमिश्नर पद से, आपको ऊपर के दबाव से डर लगता है? भाई नगर सेवक अपनी फरियाद ले किसके पास जाएगा, महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास जाएगा। अब उनको दबाव आ जा रहा है, वो इतना डर जा रहे हैं, तो ऐसे कमिश्नर को यहाँ रहने का हक नहीं है। क्या लगता है भाई, जिस तरह से आपका फाइल मंजूरी होना, दो बार अधिकारियों के टेबल पर जाना, तीसरी बार जब जाता है उसको नकार देना, तो क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र का मतलब हम कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन मैं किसी पे तीखा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इतना बोलूँगा कि कोई भी बनावे, लोगों का काम होना चाहिए, और राज्यसभा इलेक्शन आएगा फिर देख लेंगे इंशाल्लाह कौन किसको क्या जीतता है कौन हारता है, सब अल्लाह के हाथ में है। किसी के काम रुकवाने से अहमद की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग बहुत आए और बहुत चले गए। लेकिन सर, जिस तरह से हमने देखा कि कल कुछ महिलाएं जमा होकर आपके कार्य की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि आप गुंडाई करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए ऐसा है संदीप जी, मैं लोगों को डराता हूँ, धमकाता हूँ, जब बटन दबाने जाते हैं तब तो वहाँ मैं नहीं रहता हूँ ना, तब तो वो खुद वहाँ रहते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। दुनिया है, मुँह है बोलने के लिए, आदमी बोलता है 15 साल से मैं जीत रहा हूँ, अगर लोगों को धमकी देता और डराता तो क्या लोग मुझे जिताते? यहाँ पर बहुत गुंडई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे मेरी बात पर यकीन नहीं कीजिए, जाके लोगों से पूछिए, यहाँ बाहर के लोग आके बहुत गुंडई करते थे, वो गुंडई मैंने ख़त्म किया है। अब उस पर मुझे कोई गुंडई बोले, यहाँ पे लोग जब पहले शौचालय अंदर नहीं था, लोग बाहर, औरतें बाहर जाती थी, तो यहाँ बड़े बड़े मजनू आते थे, कहीं निजामपुरा से आ रहे हैं, कोई वांजरपट्टी नाके से आ रहा है, कोई दरगाह रोड से आ रहा है, उन मजनू को मैंने ठीक किया है। अगर मैं गुंडा हूँ तो कोई बात नहीं है, मेरे वार्ड के लोग नहीं चाहते ना, वो जानते हैं ना मैं गुंडा कैसा हूँ, बस मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, लोग कुछ भी मुझे तीखा टिप्पणी करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम की बात की जाए तो कई आपके वार्ड में कई जगहों पर चेंबर नहीं थे, चेंबर वहाँ पर, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत से ऐसी घटनाएं अभी हाल ही में घटी है भाई, इसी शौचालय में परसों कमिश्नर साहब ने खुद चेंबर भिजवाया है रात में, सुबह हमने खुद जाके लगवाया है साथ में महानगर पालिका वालों के साथ में मिल के, कि चलिए नहीं तो कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा, मोहल्ले का बच्चा गिर जाएगा तो लोग तो मुझे जीना नहीं देंगे, लोग तो मेरे ऊपर ही उंगली उठाएंगे, ये नहीं देखेंगे काम किसने रोका क्यों रोका। इसके लिए मैंने वो चैम्बर तो रखवा लिया, कम से कम आगे रईस भाई का फंड आ ही रहा है, बनेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है रईस भाई से कि बनाएंगे रईस भाई। 3 महीना हो गया सर, 3 महीने से नहीं बना। नहीं, 1.5 महीने का रईस भाई ने वादा किया था, ठीक है, देर सवेर होता है उनके फंड आने में और रुकवाने में तकलीफ तो भी होगी, अब फंड आ रहा है, आएगा, बनेगी इंशाल्लाह, संडास तो बननी है, शौचालय बनाओ, आगे फिर इलेक्शन में देखा जाएगा, आपको मदद मिलेगी, लोगों की तकलीफ दूर होना चाहिए, हमारी माँ बहनें जो रोड पे जा रही हैं वो नहीं होना चाहिए, चाहे अहमद भाई बनाए कि रईस भाई बनाए कि कपिल पाटिल जी बनाए या महानगर पालिका बनाए, हमारी माँ बहनों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, बनना चाहिए शौचालय कोई भी बनाए।